हेलो पोकेमॉन फैंस और भाई लोग, कैसे हो आप लोग? तो आप सभी को स्वागत है अपने चैनल पे और आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो यार भाई, आज के गेम प्ले में यार अपन शेडो बिल्ड यूज़ करने वाले। अब इससे पहले यार मैंने भाई ग्रास वाला बिल्ड यूज़ किया था, लेजर लीफ वाला, और भाई वो यार मेरे को मतलब ठीक ठाक लगा था। मेरे को लगा था यार ये तभी भी ब्रोकन पोकेमॉन नहीं है, लेकिन भाई जब से मैंने यार शेडो बिल्ड यूज़ किया है ना भाई, मतलब इसने पोकेमोन ने बैंड बजा दिए। मैं भाई मतलब ज़्यादातर 1v3 कर देता हूँ, वो भी भाई सोलो ही, और इतना ज़्यादा ब्रोकन पोकेमोन है आपको इसमें पता लग जाएगा। तो भाई यहाँ पे देखना यार, मतलब इस बिल्ड में यार कितना खतरनाक तगड़ा मारता है बंदा। और भाई तुम देखना पूरा गेम प्ले। और भाई यार तुमको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, सबसे पहले यार अगर आप मतलब जंगल करोगे डेसिड्यू के साथ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भाई यार डेसिड्यू है ना, शुरू की जो 7 लेवल तक है भाई, बहुत ज़्यादा मतलब नूबी रहता है, नफ़ रहता है भाई, वो मार ही नहीं पाता ढंग से और बहुत जल्दी मर जाता है। इसलिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा तुम 7 लेवल तक पहुँचने का ट्राई करो। एक बार 7 लेवल पर पहुँच गए ना भाई, तो तुम बैंड बजा दोगे अच्छे अच्छे बंदों की। तो यहाँ पे अब मैं देखो ऊपर की साइड आ जाता हूँ यहाँ पे हेल्प करने के लिए, क्योंकि मेरे को पता था कि यहाँ पे बी आने वाली है, बी का मैं वेट कर रहा था। अब भाई यार यहाँ पे मैं एप्सोल को मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जरूर उसको मार देता हूँ। यहाँ पे चलो कोई दिक्कत नहीं, अपने टीममेट को मैं यहाँ पे किल मिले, और यहाँ पे बी आ जाती है, बी जल्दी से ले लेते, क्योंकि बी से यार काफ़ी जल्दी जल्दी एक्सपी गेन हो जाती है। तो इस तरीके से यार तुम ऊपर भी यहाँ पे आ जाया करो, मतलब अगर तुम जंगल करो तो ऐसे ही नहीं कि भाई जंगल में घूमते रहो, अपना जंगल का बफ लो और जल्दी से ऊपर आकर अपने टीममेट की हेल्प करो, जिससे क्या भाई तुम्हारे टीममेट भी लीड कर पाए और उनको भी यहाँ पे बफ मिल पाए। अब देखो यार यहाँ पे जो हमारा स्क्वेडल था यहाँ पे भाई बचने का ट्राई कर रहा था, पीछे गया वो यहाँ पे तीन तीन बंदे आ गए थे हमारे ऊपर, और यहाँ पे देखो इनके एक पोकेमोन को तो गंदा ही पेला, और उसके बाद यहाँ पे देखो हम क्या गंदा पेलते इनको। तो यहाँ पे एप्सोल को भी देखो क्या तगड़ा वाला डैमेज दिया, और यहाँ पे देखो तुम इसको भाई क्या स्लोपोक को भाई कितना ज़्यादा एचपी रहता है स्लोपोक का, तुम्हें पता ही होगा, स्लोपोक को भी गंदा वाला डैमेज दे के पेल दिया। अब यहाँ पे हमने जल्दी से ले लिया था, 30 पॉइंट मेरे पास थे, तो मैंने सोचा जल्दी से भाई मैं स्कोर कर देता हूँ वरना कनेक्ट फोन आ जाएगा। और जैसे मैं स्कोर करता हूँ मैं यहाँ से भाई निकलने का ट्राई करता हूँ, लेकिन यहाँ पे भाई अपने को पकड़ लेता है एप्सोल, और एप्सोल यार पीछे से बहुत ज़्यादा डैमेज देता है, तो शेडो पंच जो भी साइको पंच मारता हो, और यार उससे एक तो स्पीड स्लो हो जाती है और बहुत ज़्यादा डैमेज देता है वो जब पीठ पे मारता है। तो वहाँ पे मैं बच नहीं पाया, क्योंकि वैसे भी जो इस वाले पोकेमॉन है अपना डेसिड्यूस की हेल्थ काफ़ी कम होती है, लेकिन कोई नहीं। अब यहाँ पे देखो स्प्लिट शेकल वाला जो आ गया था मेरे पास, जो स्नाइपर वाला तीर, अब यार एक तरीके से इसको समझ लो ये ओम है भाई पबजी की, तो इसका जो शॉट है भाई बहुत गंदा वाला डैमेज देता है, मतलब अकेला ही ये तीर बहुत ज़्यादा डैमेज देता है। और यहाँ पे इससे तुम स्नाइप कर करके बंदों को दूर से मतलब मार सकते हो, जैसे बहुत बार क्या होता है कि बंदे 1 HP पे भाग जाते हैं, लेकिन भाई इसकी रेंज इतनी ज़्यादा है कि तुमसे बंदे भाग ही नहीं पाएंगे भाई, तुम ऐसा गंदा वाला मारोगे ना उनको कि भाई क्या ही बोलूँ, अभी तुमको पता चलेगा। देखो यहाँ पे इसको मैंने स्लोपोक को कितना गंदा वाला डैमेज दिया, एक ही तीर में भाई स्लोपोक की काफ़ी HP उड़ा दी, वो जाते ही भाई उसको पेल दिया, मतलब भागने का तक का टाइम नहीं दिया। इधर आ गया था भाई एप्सोल, एप्सोल भाई मेरे को इधर पेल ही देता कि भाई मैं यहाँ से जल्दी से निकलता हूँ, हेल्थ लेता हूँ, और यहाँ पर 3 बंदे आ गए थे, तो मैंने सोचा अब इनको मारना पड़ेगा, तो सॉरी यहाँ पे 2 बंदे थे, और इन दोनों के ऊपर मल्टी चला देता हूँ, और यहाँ पे भाई एक पोकेमोन को तो पेल देता हूँ, और एप्सोल भाई यहाँ पे मेरे को मारने का ट्राई करता है। अब एप्सोल यार बार बार भाई आगे पीछे जाता है, उस वजह से यार उसको मारना काफ़ी मतलब मुश्किल हो जाता, लेकिन भाई उसको फिर भी मैंने पेल दिया, क्योंकि भाई ये वाला जो पोकेमोन है इतना डैमेज देता है ना गंदा वाला, कि भाई ज़्यादा देर तुम इसके सामने टिक नहीं पाओगे। और यहाँ पे देखो भाई अपना बल्बसोर था, बल्बसोर को एक तीर लगा, और भाई बल्बसोर की HP देखो यार तुम, मतलब जो बल्बसोर की तुमने वो देखी होगी भाई, क्या बोलते हैं अपनी सोलर बीम, सोलर बीम का तोड़ है भाई ये, सोलर बीम जितना डैमेज देती है उससे थोड़ा सा कम देती है, लेकिन भाई इसके जो बाकी लेजर लीफ है वो भी तो काफ़ी डैमेज देती है। अब यहाँ पे एप्सोल आ गया, और एप्सोल से बचना मुश्किल ही रहता है, एप्सोल क्लोज में आ जाता है तो फिर तो भाई डेसीड्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि डेसीड्यू नहीं बच पाता एप्सोल से, एप्सोल है जरूरा है, तो इनसे बचने के लिए तुम्हें एक भाई डिफेंडर की ज़रूरत पड़ती है, और मेरे तो यहाँ पर डिफेंडर कोई था ही नहीं भाई, और रैंडम में यही सीन होता है। अब यहाँ पे भाई देखो मैं जल्दी से उनको मार दिया, अब मैंने सोचा वापस से जंगल गेन करके भाई मैं अपनी लेवल अप कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं अकेला भाई ड्रेनो लेने जाऊँगा तो भाई उधर कोई भी चोरी भी कर लेगा और मेरे को भी पेल देगा, तो मैंने सोचा पहले सबसे पहले अपन यहाँ पर लेवल अप कर लेते हैं। और यहाँ पर जंगल मैंने फार्म किया, और भाई ये बच गया था मेरे को लगा, फिर नहीं बचा था देख लिया मैंने, तो फिर नीचे देखा तो नीचे डेडनों पे कोई था ही नहीं, तो मैंने सोचा चलो जल्दी से जाते हैं, और भाई कोई आएगा तो ठीक है वरना अपन ही यहाँ पे डेडनों लेने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे तो यार मेरे पोकेमोन में तो कोई भी नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो अपन ही जाते हैं और इसको मारने का ट्राई करते हैं।
अब देखो यहाँ पे तुम देखो यार भाई, देसी ड्यू की भाई जो डैमेज पावर है वो देखो भाई, ड्रेडनो को अकेले ही कितना गंदा वाला डैमेज दे रहा है भाई ड्रेडनो को। और ड्रेडनो को यार तुम कभी भी गलती से भी दूर मत बुलाया करो, क्योंकि जब वो वापस से जाता है तो भाई प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो वापस से हील होने लग जाता है। तो यहाँ पे देखो डेसिड्यू को अकेले ही मैंने ले लिया, और भाई कितनी फास्ट लिया, मतलब यार बहुत जल्दी फास्ट लेती है, मतलब डेसिड्यू की भाई यही पावर मुझे बहुत अच्छी लगी कि बहुत ज़्यादा डैमेज है। ऊपर से इसका तीर है ना भाई, सामने से जब एक तीर पड़ता है ना किसी को, तो भाई वो पहले ही भाई तुमसे दूर निकल लेता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई बहुत गंदा वाला डैमेज पड़ा है। अब यहाँ पे भाई मैं स्कोर करने जाता हूँ, इसकी स्कोरिंग पावर भी बहुत तेज़ है, मतलब जल्दी जल्दी स्कोर करता है। और यहाँ पे मेरे को कोई बंदा लग नहीं रहा था, तो यहाँ पे एक तीर था मैं टेलन फ्रेम पे चलाया, वो तो यहाँ पे बच गया, लेकिन तब तक मैं यहाँ पे एक स्कोर कर ही देता हूँ। और मैं जैसे स्कोर करता हूँ यहाँ पे स्लो पोक आ जाता है, और स्लो पोक को तो भाई भाई दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे। और इधर टेलन फ्रेम में ही तो टेलन फ्रेम को भी देखो घेर लेते हैं, और इधर एक तीर पड़ता है टेलन फ्रेम को, और टेलन फ्रेम ख़त्म। भाई तुम देखो उसका एचपी कितना था भाई, एक तीर में ख़त्म कर दिया उसे। और यहाँ पे वापस से स्लो पोक आ जाता है, स्लो पोक को पकड़ते हैं, और यहाँ पे देखो एक तीर में वापस से स्लो पोक की एचपी खत्म, और ये स्लो पोक भी गया। वापस से टेलन फ्लेम आ रही थी, और टेलन फ्लेम को पकड़ लिया, टेलन फ्लेम को भी मार दिया। अब भाई यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा गोल करना था, यहाँ पे भाई जो इनका वेनासुर था भाई पता नहीं करना कौन से सस्ते नशे में था, तो वो तो यहाँ से सीधा सीधा निकल लिया, और भाई यहाँ पे फार्म ले रहा था वो, तो यहाँ पे मैं पीछे से उसको डैमेज दे रहा था, और यहाँ पे वेनासुर को मार दिया और उसका फार्म भी चुरा लिया। अब उसके बाद में यहाँ पे देखो हमने हमारे बंदों ने भाई यहाँ पे रोटम भी मार दिया था। मतलब यार कभी कभी मैच में यार रेंडम में भाई तुम्हें मतलब रेंडम टीममेट अच्छे मिल जाते हैं, बाकी टाइम तो ऐसे मिलते हैं कि भाई वो जेबडोस लेने तक नहीं आते। भाई तुम चाहे कितना ही जीता दो, तुम भाई सारे के सारे गोल डाल दो भाई पोकेमोन के मतलब एनिमी टीम के उसमें, लेकिन भाई तुम्हारे टीममेट इतने नूब आएंगे भाई कि वो ना तो भाई गोल्ड डालेंगे ना जेबडोस लेने आएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे भाई, मतलब ऐसे ऐसे बंदे मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने अल्टी चलाई, लेकिन भाई ये पता नहीं यार आगे पीछे मेरे घूम रहा था, और यहाँ पे इसने यार मेरे को मतलब 1 HP पे मार दिया यार एप्सोल ने। एप्सोल ऐसे ही रहता है भाई, आगे पीछे बहुत ज़्यादा घूमता है, उसको मारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कोई बात नहीं, मैंने अपना काम यहाँ पे कर दिया था। अब यार एक चीज़ यार मैं बता देता हूँ यार, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ रेंडम के साथ में खेल के, और मैं वापस से अल्ट्रा 4 पे फंस गया हूँ, पिछले सीजन भी उसी पे फंसा था रैंक मैच में। तो यार प्लीज़ मुझे यार यहाँ पे टीम की ज़रूरत है, तो अगर आप लोगों में से कोई भी अच्छा खेलता हो और भाई मेरे को मतलब इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकता है टीम के लिए, और अपना जो भी भाई स्टेट्स वगैरह उसका स्क्रीनशॉट वगैरह मुझे भेज देना, और भाई कितने स्टेट से क्या विन रेशो है वगैरह मुझे भेज देना, उसके बाद में मैं तुम्हें बता दूंगा। और भाई ऐसे ही बंदे मुझे मैसेज करना जो कि भाई मतलब जब बुलाऊं तब आ जाए भाई खेलने, ऐसा नहीं कि भाई मैं इस टाइम पे खेलूंगा, मैं रात में खेलूंगा या फिर दिन में खेलूंगा, ऐसा नहीं भाई। मेरे को ऐसे बंदे चाहिए जो मतलब टाइम मतलब ज़्यादातर टाइम खेले, मतलब ऐसे नहीं फालतू टाइम मेरे को वेस्ट नहीं करना है। और भाई बंदे को खेलना आना चाहिए, और ऊपर से भाई जो भी तुम मेरी टीम ज्वाइन करोगे उनका एक माइक जो रहता है, माइक हमेशा ऑन रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई मैं घर में रहता हूँ तो भाई माइक ऑन नहीं है, वरना यार फिर वो कोऑर्डिनेशन नहीं जम पाता है, ठीक है। और आप लोगों को शॉर्ट वीडियो चाहिए क्या तो वो भी मुझे कमेंट में बता देना, शॉर्ट वीडियो जैसे कि कैसे स्टील करा मैंने भाई जेबडोस वगैरह, तो ऐसे वही बहुत सारी ट्रेंडिंग में जाती है, तो मैं ट्राई करता हूँ शॉर्ट का भी। तो यहाँ पे भाई देखो अब यहाँ पे जेबडोस बच गया था, और यहाँ पे हमारी टीम लीड में चल रही थी, तो मैंने सोचा जेबडोस तो नहीं लेते हैं, लेकिन भाई हमारा डिफेंडर यहाँ पे मानता नहीं है, और भाई ये लगातार जेबडोस को डैमेज दे रहा था। तो यार भाई ये वाली गलती मत किया करो, अगर तुम्हारी टीम हमेशा लीड में चलती रही तो बस तुम्हें जेबडोस को डिफेंड करना है, मारना नहीं है। उसमें क्या होता है, कोई बंदा अगर गलती से भी कहीं छुपा रहेगा और उसने लास्ट टाइम पे हिट मार के भाई अगर जेबडोस स्टिल कर लिया तो तुम्हारा पूरा गया। तो यहाँ पे मेरे को डर था, तो मैं भाई लास्ट बो मार के भाई जेबडोस ले लेता हूँ। अब यहाँ तो हमने भाई जेबडोस ले लिया था, तो इजी भाई हमारी विनिंग तो थी सही। तब जल्दी से जाके बस स्कोर करना था, और कोई भी हमें डिफेंड करने भी नहीं आ रहा था, तो ईजी स्कोर देखो हम यहाँ पर कर देते अपन। तो भाई यहाँ पे इजी स्कोर कर दिया मैंने, और यहाँ पे देखो टेलन फ्रेम मेरे को खुले में मिल जाता है, तो इसको भी इधर ही पेल देते हैं। अब उसके बाद यार यहाँ पे मैं रिकॉल कर लेता हूँ। अब यार तुम्हें मैं यहाँ पे बिल्ड बता देता हूँ, मैंने इस वाले गेम प्ले में कौन सा बिल्ड यूज़ किया, मतलब यही वाला भाई जो है मतलब डेसिड्यू के लिए सबसे बेस्ट बिल्ड है, तो ये वाला तुम ट्राई कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता है, और भाई जब अल्टी चलाते हो तो यहाँ पे बड़ी बैरियर की वजह से तुम्हें एक्स्ट्रा शील्ड भी मिलती है, तो ये वाला जरूर से तुम ट्राई करना। और भाई ये अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाना यार, भाई सब्सक्राइब ही नहीं करते हो तुम लोग, इतनी मेहनत करते हो उसके बाद भी। और भाई क्या बोलूँ मैं, कमेंट तो कुछ भी कर देना यार, बताना यार कुछ भी, जो भी तुम्हें हेल्प चाहिए मैं बता दूंगा, ठीक है।
और भाई फाइनली हम यहाँ पे 604 पॉइंट के साथ में जीत जाते हैं। और देखो भाई मैंने पूरा का पूरा सोलो कैरी किया था इस गेम को, और भाई वो भी रैंडम के साथ में। तो आपको ये वीडियो कैसा पसंद आया? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाए।